Hello everyone, welcome to Arpita Sharma Classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to have a small discussion on how to prepare for UPSC CSE without coming to Delhi at the comfort of your home. How to prepare for this exam, how to make sure that you are dedicated, determined and well prepared for your prelims, mains and interview. How to get all the resources at one place, how to start with the basic books, the static books in your preparation. आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्पिता शर्मा क्लासेस में. मैं हूँ अर्पिता शर्मा, आप सभी की एडुकेटर, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियस और एक छोटी सी डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे दिल्ली आए बिना आप अपने ही घर में, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहीं रहकर कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए. किस तरीके से, किन किताबों को पढ़ना जरूरी है, कौन सी किताबें आपको रखनी है अपने पास, कौन सी किताबें आप इग्नोर कर सकते हैं, कहां से आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज मिलेंगे, कौन सी वेबसाइट्स यूज करनी है, ये सारी सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे. सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लास इन बोथ द लैंग्वेजेस. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, देन आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट बैक इन टू हिंदी. अब देखिए, डिस्कशन तो दोनों लैंग्वेजेस में होगी. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में बात की जाएगी. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आराम से इस सेशन को देखना है, इस सेशन में पार्टिसिपेट करना है. हम सभी जाते हैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले 10 क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं. भाई टफ एग्जाम है, लोग कहते हैं टफ है, क्या ये सीरियसली टफ है? लोगों के कहने पे, पहला तो आपको ये याद रखना है कि लोगों के कहने पर नहीं जाना. टफ तो सभी एग्जाम होते हैं. जब हम 10वीं क्लास में थे तब हमारे लिए बोर्ड्स भी बहुत टफ थे, 12th में भी बोर्ड्स काफी टफ लगते थे, सब बोलते थे टफ होते हैं, बट क्लियर किया ना हमने. ग्रेजुएशन में भी लगता है नहीं, ये एग्जाम, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक टफ है, बट हो जाता है ना. तो टफ कहने वाली बात है, अगर एक बार उसको, उसके लिए डिटरमिंड होके पढ़ने बैठ जाए तो वो टफ नहीं रहता, राइट? सो एवरीबडी इज ऑफ द ओपिनियन दैट यूपीएससी एग्जाम्स आर वेरी टफ, बट नो दे आर नॉट टफ, जस्ट वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, दैट्स वाई इट सीम्स टफ. We do not know the syllabus completely holistically. We do not know which book to study, because for one subject there are 100 books. Which book to pick, which book to selectively study, right? So all these confusions, they make this exam tough. Okay? So आप कह सकते हो indirectly कि exam tough नहीं है, हमारी confusion इस exam को tough बना देती है. Then there are students who are residing in Bihar or in the south portions of India, right? Or in Gujarat, etc. And people have said that Delhi is the hub of UPSC preparation. There are most famous coaching centers in Delhi, right? And if you do not come to Delhi, do not visit Delhi, or do not get yourself enrolled in Delhi, in the coaching centers in Delhi, then it becomes very tough for you to crack this exam. But all these are just myths, right? अब लोगों का ये भी दूसरा ओपिनियन आ जाता है, भाई दिल्ली जाके ही प्रिपरेशन होती है. कितने लोग यहाँ पर हर साल, कितने स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पीजीज पे रहते हैं और दिल्ली के रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स में इनरोल करके खुद को पढ़ाई शुरू करते हैं. अब उसमें उनका 3 से 5 लाख तक का खर्चा हो जाता है, और मान लीजिए किसी कारणवश पहला अटेम्प्ट उनका क्लियर नहीं हुआ, वो खर्चा रिपीट होता है. तो होता क्या है कि देखिए, दिल्ली से ही पढ़ के आपके एग्जाम क्लियर होगा ये गारंटीड नहीं होता. आपकी खुद की मेहनत से आपकी एग्जाम क्लियर होगा, उसकी गारंटी है. बट दिल्ली में एनरोल किया नहीं किया, इस चीज से एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है. आप खुद ही सोचिए कि यूपीएससी जब ये एग्जाम बना रहा होता है, क्या वो ये सोचता है, दिमाग में ये रखता है कि हाँ ये बच्चे दिल्ली में आए होंगे, जो बच्चे दिल्ली से होंगे उनको ही हम क्लियर करेंगे, जो बाहर से आए होंगे उनको क्लियर नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना. जो दिल्ली से पढ़े हैं उनको हम क्लियर पास करवाएंगे, जो दिल्ली से नहीं पढ़े उनको पास नहीं करवाएंगे. जब यूपीएससी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो आपको अपने दिमाग में ये डिस्क्रिमिनेशन रखने की जरूरत नहीं है. यूपीएससी नेवर डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स, राइट? स्टूडेंट्स आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, दे आर नेवर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कोचिंग सेंटर्स दे हैव एनरोल्ड देमसेल्व्स और द टाइप ऑफ सिटी दे आर लिविंग इन. यूपीएससी कभी भी ये सोच के क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करता या बच्चों को पास नहीं करता कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ से पढ़े हो, आप कितनी फैमिली इनकम है, गरीब हो, अमीर हो, ये सारी बातें यूपीएससी से परे हैं. यूपीएससी नॉलेज के बेस पे बच्चों को टेस्ट करता है, जिसकी जितनी नॉलेज उस हिसाब से उसके मार्क्स आएंगे, राइट? तो जो टॉपर्स होते हैं वो उनके नॉलेज के बेस पे टॉपर्स बने हैं. जिन्होंने क्लियर किया है यूपीएससी, वो अपने नॉलेज के बेस पे क्लियर करके गए हैं. कोई भी अपनी फैमिली इनकम या अपने सिचुएशन, अपने बैकग्राउंड नहीं सामने रखता, अपनी नॉलेज सामने रखता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इन दिस एग्जाम यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट योर नॉलेज,
not your background, your income, your type of prep, you know, the coaching center you have enrolled in or the resources you have studied. No, just your knowledge is tested. So second myth is also busted. पहला myth bust हो गया. Second भी आपका जो myth है वो bust हो गया. यू पहला myth था कि UPSC परीक्षा तो बहुत tough है. ऐसा नहीं है. तैयारी पे डिपेंड करता है कि कोई एग्जाम आपके लिए टफ है या नहीं. तैयारी कम नहीं होगी वो टफ होगा, तैयारी होगी तो वही आपको एग्जाम इजी लगेगा. सेकेंडली, यूपीएससी कभी भी ये नहीं देखता कि आप कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े. यूपीएससी आपकी नॉलेज देखता है. जो क्वेश्चन हमने दिए उनको सही तरीके से मार्क किया है कि नहीं. ठीक है, तो दो बिग मिथ्स तो हमने यहीं पर बस्ट कर दिए. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट डाउट विच स्टूडेंट्स हैव इज दैट द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर एट अ रिस्क इन यूपीएससी and the English medium students can very clearly clear this exam, very easily clear this exam. This is again a myth, right? ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बेचारे एवरेज हैं या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो क्लियर कर ही जाते हैं, उनके लिए तो काफी ईजी है. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी 5-5 अटेम्प्ट लगाते हैं, 6-6 अटेम्प्ट लगाते हैं. ठीक है, तो किसने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बेसिस पे यूपीएससी डिस्क्रिमिनेट करता है? नहीं, आपकी मेहनत आपकी लगन पे डिपेंड करता है. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स काफी ऐसे होते हैं जो 6-6 अटेम्प्ट लगा देते हैं इस एग्जाम में. पहले अटेम्प्ट में हर कोई पास नहीं होता, और जो पास होता है पहले अटेम्प्ट में उसकी मेहनत उसको पास करवाती है. उसकी मेहनत, उसकी डेडिकेशन उतनी स्ट्रांग होगी जितनी किसी की 6th अटेम्प्ट में पास करके स्ट्रांग हुई होगी. आप किसी के अपने चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर नहीं कर सकते. यू कैन नेवर कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समबडी एल्सेस चैप्टर 20, बिकॉज दिस एग्जाम जस्ट नीड्स योर हार्ड वर्क एंड नथिंग एल्स. दिस एग्जाम नेवर डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. नो, इस एग्जाम में तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं है. आपको अपने हार्डवर्क सामने रखना है. हाँ, थोड़ी मुश्किलें आएंगी रिसोर्सेज इकट्ठा करने में, बट आप ये बताएं अगर आपकी डेडिकेशन बड़ी है तो क्या मुश्किलें छोटी नहीं लगने लगेगी, राइट? तो इसलिए ना हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये वो, ये सारे ना आपका दिमाग आपको एक्सक्यूज दे रहा होता है कि कैसे भी आप इस एग्जाम से अपने कदम पीछे ले लो. तो दिमाग को क्यों जीतने देना जब दिल इस एग्जाम में लग चुका है, राइट? वेन योर ब्रेन सेज that no, you are a Hindi medium student or you are not from Delhi or you have not enrolled in this particular test series or that particular test series, the expensive one, the this one, that one, or you are not living in Delhi, you cannot prepare. These are all the excuses your brain is giving you. But if your heart is dedicated to this exam, you will jump over those excuses, right? Samajh aaya? Theek hai? So now I'm going to tell you about the list of things you need टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर दी बिगनर्स. आप जितने भी बिगनर्स हैं एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, ऑल दी वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिगनर्स इन दिस एग्जाम, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सर्टन लिस्ट ऑफ बुक्स एंड सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द वेबसाइट्स, ऑनलाइन कोचिंग्स. आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी, तो मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स बताऊंगी, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है, और कौन सी ऑनलाइन क्लासेस से आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो. ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसको आप अपनी परीक्षा में यूज कर सकते हो. ठीक है, मस्ट हैव इज अ फर्म डिटर्मिनेशन इन दिस पर्टिकुलर जर्नी. ये दो, 1.5-2 साल की जर्नी जो होती है ना, इसमें आपका डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा फर्म होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए. क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी ना, तो आप एंड तक डटे रहोगे इस जंग में. इफ योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग ना, देन यू आर गोइंग टू लास्ट इन दिस जर्नी. यू आर गोइंग टू स्टैंड टिल द एंड ऑफ दिस जर्नी, टिल योर इंटरव्यू डे. यू आर गोइंग टू फेस दिस विद फर्म डिटर्मिनेशन. सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन. यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ. देखो, कोई आपको हर घंटे आके ना मोटिवेट नहीं करेगा. अगर आपको लगता है ना आपको पैम्पर कोई करे आकर कि नहीं तू कर लेगा या तू कर लेगी, तो ऐसा नहीं है. आप बच्चे नहीं हो, ये एग्जाम कॉलेज एग्जाम नहीं है. खुद को मोटिवेट करना भी सीखो, ठीक है? क्योंकि अगर खुद को मोटिवेट करना सीख पाओगे, तभी दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे एक एडमिनिस्ट्रेटर बनके. इफ यू लर्न टू मोटिवेट योर सेल्फ, इफ यू लर्न टू इग्नोर द पैम्परिंग पीपल, यू नो, टेंड टू पैम्पर यू, right? No, you are in stepping into this journey, you can clear it, this and that. No, do not let yourself get pampered by others. Pamper yourself, motivate yourself. Because if you learn to self-motivate yourself, then only as an administrator in the future, you are going to motivate the people of your district, right? Third, passion and love for the exam you are preparing for. If there is no love, you will not like the journey and you will step out of the journey in the initial stages only. अगर इस एग्जाम को, इस पोजीशन को आप प्यार नहीं करोगे ना, इसके लिए पैशन नहीं होगा आपके अंदर, तो आप ज्यादा समय तक नहीं इसमें रुक पाओगे. पहला फेलियर देखते ही कूद जाओगे बाहर के, भाई मेरे बस की नहीं है.
बट अगर आप किसी चीज से प्यार करते हो ना, तो चाहे वो चीज आपको कितना भी रुला ले, आप एंड तक टिके रहते हो और उसको क्लियर करके ही, उसको अपना बनाकर ही बाहर निकलते हो, राइट? ये एग्जाम भी आपसे आपके प्यार, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी अटेंशन मांगता है और कुछ नहीं मांगता। लोगों में इन्वेस्ट करने से अच्छा है इस एग्जाम में इन्वेस्ट करो, तो एंड में आपको जो रिजल्ट है ना, वो आपके मरते दम तक पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। आपको मरते दम तक, एंड तक, आपकी लाइफ के एंड तक आपको खुशी देगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगा। आपके चेहरे पे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, एक खुशी रहेगी, क्योंकि आपने वो पा लिया जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो इसलिए पैशन और लव तो एक एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन दिस पर्टिकुलर जर्नी, बिकॉज इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू विल नेवर बी एबल टू फिनिश योर सिलेबस, एंड इफ द सिलेबस इज पेंडिंग देन यू नो, राइट? प्रीलिम्स मेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रीलिम्स में निकल जाओगे तो मेंस में अटक जाओगे, राइट? तो अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, खुद को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, बहुत गलत कर रहे हो। डिसिप्लिन में रखना सीखो, टाइम टेबल बनाओ, डेली टाइम टेबल, यानी मंथली, मंथली टाइम टेबल बना के कभी अचीव नहीं कर सकते हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आलसी हो जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम फंस जाते हैं, हम नहीं पूरा कर पाते टाइम टेबल। तो इसलिए डे वाइज बनाओ, सुबह उठकर डिसाइड कर लो ये चार चीजें मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे फिर सुबह उठकर डिसाइड करो आज ये चार चीजें पढ़ूंगा और कल की चीज रिवाइज करूंगा, ठीक है? सो डिसिप्लिन इज द फोरमोस्ट क्वालिटी। व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लीडर्स? बिकॉज दैट्स व्हाट मेक देम अ लीडर। लीडर्स में डिसिप्लिन की क्वालिटी सबसे भरपूर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि लीडर्स डिसिप्लिन के वजह से ही बनते हैं। नाउ द रिसोर्सेज यू मस्ट हैव, देखो स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का सेपरेटली, यूपीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट योर प्रिपरेशन ना, यू शुड हैव अ सिलेबस, गो थ्रू द सिलेबस फॉर द फर्स्ट टू डेज, दो दिन सिलेबस इनमें इन्वेस्ट करो, समझो क्या है ये, क्या आ रहा है, क्या टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में, क्या पढ़ने हैं, इसकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझ आएगी सिलेबस पढ़ के। व्हेन यू रीड द सिलेबस फॉर टू डेज रेगुलरली ना, यू विल अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट। Then class 9th to 12th NCERTs you should have, geography, history, social science, you should have the class 9 to 12th NCERTs. 6 से 8th की जरूरत नहीं है, 9 से 12th की NCERT तो compulsory है. Then you should maintain separate registers or A4 size sheets and L folders for separate GS papers. GS paper 1, 2, 3, 4 in mains, you have to prepare separate topic of GS paper wise L folders and you have to arrange your A4 size sheets on which you are making notes, or if you are making notes on separate registers then well and good. So I will give you the link of also of the A4 size sheets and L folders. कौन सी A4 size sheets और L folders खरीदने हैं? अगर आप A4 size sheet पे note बना रहे हो तो L folders लेना, उसी में arrange करके रखोगे ना, तो मैं link नीचे description box में दे दूंगी। Then you should have the map also, Oxford map, school map जो आपके पास होता है, राइट? एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीवियस 5 years क्वेश्चन पेपर। इफ यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन, दीज थिंग्स यू शुड हैव। प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना तो रेडी हो जाओ, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल डे वाइज। डे वाइज आपको टाइम टेबल तैयार करना है अपना। नाउ दीज आर दी स्टैटिक बुक्स विच यू मस्ट हैव। ये है वो स्टैटिक बुक्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है। Now I am not telling you to purchase 1000 books for one subject. No, the students who read 2 books or 4 books for one particular topic, they are wasting their time. एक टॉपिक के लिए 4-5 बुक्स पढ़ने से आप क्या कर रहे हो? नॉलेज गेन नहीं हो रहा, नॉलेज वेस्ट तो वही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वही है हर किताब में एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, बट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए एक टॉपिक के लिए एक बुक काफी है, उसको 10 बार रिवाइज करो, पार हो जाओगे, राइट? सो जस्ट कीप वन रिसोर्स फॉर वन टॉपिक एंड रिवाइज इट 10 times. Now for history, in ancient, medieval and modern history and world history, right? So ancient history, India's ancient past by R.S. Sharma. Medieval history, medieval India by Satish Chandra. History of modern India by Bipin Chandra. And history of the world by Arjun Dev and Indira Arjun Dev. These 4 books you should have for prelims and mains in history. For polity, prelims and mains, Indian polity by M. Lakshmikant, class 11 to 12th NCERT. And D.D. Basu only if you have public administration or pol science as optionals. अगर pol science या public administration है ना optional में, तो D.D. Basu खरीद सकते हो, ठीक है? वरना तो Indian polity, M. Lakshmikant, newspapers and 11th, 12th की NCERT बस काफी है. Geography, G.C. Leong and Majid Hussain for prelims, G.C. Leong for mains. और Majid Hussain नहीं खरीदने तो D.R. Khullar ले सकते हो उसके बदले. You can replace Majid Hussain by D.R. Khullar, right?
Science and technology, Hindu newspaper is sufficient. If you are reading Indian Express, that is also sufficient. But Hindu newspaper is very important, the Sunday edition for science and tech. Page 14 and 15 are dedicated to science and tech, right? अगर आप Hindu newspapers page आप online e-subscription ले लो इस e-paper का, तो उसमें संडे को आप 14-15 pages जो science and tech के आते हैं वो पढ़ सकते हो. Indian Express पढ़ रहे हो तो well and good. Both newspapers are excellent. You can choose any one. ओके दोनों ही अपने अपनी जगह एक्सीलेंट न्यूज़पेपर है, आप कोई भी चुन लो. अगर आपको इजी लैंग्वेज चाहिए तो हिंदू ले लो, अगर थोड़ी आपको वोकैब आपकी अच्छी है या आपको अच्छी बनानी है तो इंडियन एक्सप्रेस ले लो. एथिक्स जी सुब्बा राव एंड पी एन रॉय चौधरी. इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया जे एन एन ओरी एंड एनसीईआरटी क्लास 11. आई एम गिविंग यू द लिंक ऑल्सो ऑफ ऑल दीज बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक्स भी दे दूंगी इन किताबों की. फॉर सी सैट प्रैक्टिस द प्रीवियस फोर ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड टाटा मैकग्रॉ हिल सी सैट मैनुअल बुक इज इनफ फॉर योर प्रैक्टिसिंग. ओके नाउ कम्स द ऑनलाइन वेबसाइट्स विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन. For current affairs and mock test series, for mock test series I will recommend Insights or Vision IAS, any one, both are excellent. Mock test series के लिए मैं आपको Insights या Vision IAS में से कोई भी एक आप ले सकते हो, mock test किसी के भी, दोनों ही excellent है, कोई भी एक चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी अच्छी है. And for current affairs, daily important knowledge and information and updates on current affairs, Clear IAS and Baiju websites are good, right, the written material is good. Now, if you have doubts in your preparation and you want a mentor, educator or a guide to help you out, अगर आपकी preparation में doubts आ रहे हैं, देखो हम कुछ पढ़ते हैं तो doubts तो आने लाजमी हैं, और आपको किसी mentor, किसी guide की जरूरत है, आपको जरूरत है कोई आपको discipline रखे, time to time आपको एक guide की जरूरत है, एक mentor की जरूरत है, then I will recommend Unacademy Plus subscription. तब मैं आपको रेकमेंड करूंगी Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड करंट अफेयर्स बैकलॉग्स. अगर करंट अफेयर के बैकलॉग हो रहे हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स में डाउट्स हैं, क्लासेस लेनी है, लग रहा है इकोनॉमी बस की बात नहीं है, कोई पढ़ा दे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, तो Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इफ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु थिंक दैट इफ व्हेन समबडी टीचेस अस वी अंडरस्टैंड मच वेल, right, then for you know reading yourself, if you want any guide mentor for a specific subject or for a set of subjects, then you can go for Unacademy Plus subscription. Now Unacademy Plus subscription has important features like regular doubt clearing sessions are there, live test series are also there, answer writing sessions are there, if you want to discuss your answer writing skills na for mains, that is also there on Unacademy Plus, and mentorship and guidance. Plus the best thing is at the comfort of your house, you can watch the lessons. You don't need to go anywhere else. On your mobile phones, on your laptop or computer screens only, you can start watching the lessons. And you will get the live test series, doubt solving sessions also. You can solve your doubts and answer writing sessions also. Now the educators are highly qualified. For example, Roman Seni sir, ex-IAS officer. Nandini Maharaj ma'am, she was an educator on Unacademy and she even cleared UPSC with All India Rank 42. 2018 में इन्होंने UPSC क्लियर किया है और 2016 से पढ़ा रही हैं ये अनअकैडमी पर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पॉलिटी, तो आप इनका नॉलेज बेस देख सकते हो. अभी भी अनअकैडमी से जुड़ी हुई हैं नंदिनी मैम, राइट, और पढ़ाते पढ़ाते ही इनके खुद के भी इन्होंने एग्जाम में यू नो तैयारी करी और एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल किया. आशना सिसोदिया मैम, इनके खुद के प्रिलिम्स में 125 प्लस मार्क्स आए हैं, PSIR ऑप्शनल की फैकल्टी हैं ये Unacademy Plus पर. जतिन वर्मा सर, टॉप प्लस एजुकेटर, एक्सपर्ट इन पॉलिटी, राइट. आयुष सांगी सर इज ऑल्सो देयर, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. आयुष सांगी सर भी Unacademy Plus पे हैं, जो कि सीए हैं बाय प्रोफेशन, तो इकोनॉमिक्स इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाता, बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं. अनुज गर्ग सर हिस्ट्री के मास्टर हैं, आप हिस्ट्री ऑप्शनल ली है आपने या हिस्ट्री आपको समझ नहीं आती, आप अनुज गर्ग सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही इज द वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर एंड गाइड. आरती छावरी, अभिषेक श्रीवास्तव सर, he is expert in geography and polity. Aman Sharma for current affairs, sociology. Sudarshan Gujar sir, Dipanchu sir, right? Venkatesh Chaturvedi sir. So these are the teachers who are teaching on Unacademy Plus and they are there to guide you and to help you as well in your preparation. Now the upcoming batches are also there on Unacademy Plus. Journal studies for prelims and mains 2020. Hindi batch for the Hindi medium students. अगर आप Hindi medium student है ना, तो आपके लिए Hindi में भी batch Unacademy Plus पे है. Journal studies का prelims और mains 2020 का. For English medium students also. 2 years batch is also there for 2021 UPSC CSE exam. अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो, 2 साल का batch भी है इसमें. Then
6 months batch is also there for, English medium students, Hindi medium students. And it's very affordable. 1 month rupees 8,000, 3 months rupees 20,000, 6 months rupees 32,000, 12 months 40,000, 24 months 64,000. Whereas if you go to any offline coaching center, any reputed coaching center, they will charge you maximum 50,000 for 3 months course. They will charge you 60,000 to 80,000 for 6 months course, and they will charge you 1 lakh to 2.5 lakh for 12 months course. And here in only 40,000 you are getting 12 months enrollment, right? And all the important features also. So how you can subscribe to Unacademy Plus? Open the Unacademy app. Go to Google Play Store and open the Unacademy app. Then over here you will find, choose your category UPSC, CSE. You will find these three lines. Click on them. Click on the plus. Okay, this over here you will find plus. Is pe click karoge, pehla option plus aayega. Free courses are also there. Okay, do not worry. Paid courses hai, toh there are free courses also. You can click on all three. Special classes are free. Free courses are free of cost. No need to pay anything. And to pay for the important courses, like I told you, these batches, you have to click on plus, Unacademy Plus. On Unacademy Plus, you have to click on get subscription. एक कोई भी आप एक बार पे करो, आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे. सब कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. यू कैन एक्सेस एवरी कोर्स इफ यू पे, इफ यू टेक दी सब्सक्रिप्शन. नाउ क्लिक ऑन दी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन यू वॉन्ट, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, एंड यूज द रेफरल कोड शर्मा20 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो. अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ना, 10% का हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, शर्मा20 या ओवर हेयर इन द बॉक्स रेफरल कोड टाइप शर्मा20 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ओवर हेयर. देख सकते हो आप, शर्मा20 डालेंगे 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस टू एवरी एक्सीलेंट फैकल्टी, एक्सीलेंट एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लस, एंड क्लियर योर डाउट्स. यू नो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स एटसेट्रा ऑन अनअकैडमी प्लस. सो दिस इज हाउ you have to, I'm giving the link also of everything which I've told you, explained in the description box, even of Unacademy Plus. This is how you can benefit from online resources, websites in your preparation. And no need to come to Delhi for your preparation. Delhi आकर यहाँ पर 5-5 लाख खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, जब affordable तरीके से आप prepare कर सकते हो, right? So this was all. If you enjoyed the session, do not forget to subscribe to my channel and share this video with the other aspirants as well. Thank you.